वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स. हमने एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम के इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स और थीम डिस्कस किया था. अब हम करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन. एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम एक गंदी बस्ती है, स्लम है. उसमें एक प्राइमरी स्कूल का एक क्लासरूम है. वहाँ पर कैसे चिल्ड्रन हैं, उनकी क्या कंडीशन है, उसको डिस्क्राइब किया है स्टीफन स्पेंडर ने. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, फार फार फ्रॉम, ये तीन जो वर्ड्स हैं इसमें एफ कॉन्सोनेंट रिपीट हुआ है. यहाँ पर एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच है. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, जो पावरफुल वेव्स हैं, समुद्र की लहरें, यहाँ सिम्बॉलिकल है नेचर से. अवे, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस, जो चिल्ड्रन के फेसेस हैं एक एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में बैठे हुए जो बच्चों के चेहरे हैं वो गस्टी वेव से, पावरफुल वेव से बहुत दूर है. दे आर लाइक रूटलेस वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स की तरह हैं ये चिल्ड्रन. द हेयर टोन राउंड देयर पेलोर, पेलोर मीन्स पेल फेसेस, उनके पेल फेसेस के ऊपर जो बाल है वो बिखरे हुए हैं. द टोल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड, उसी क्लासरूम में देयर इज अ टोल गर्ल और वो हेड डाउन करके बैठी है. ऐसा लगता है कि वो अपने हेड का वेट कैरी करने में एबल नहीं है. द पेपर सीमिंग बॉय, एक लड़का है जो इतना थिन है कि वो पेपर जैसा लगता है. एक फैंटास्टिक कंपैरिजन पोएट ने यूज़ किया है और उसकी थिननेस को हाईलाइट करने के लिए उसने कहा है द बॉय इज पेपर सीमिंग विद रैट्स आइज. रैट किस लिए आता है? रैट आपके घरों में, हमारे घरों में जब एंटर करता है तो क्या उसकी आइज ढूंढती हैं? सम फूड, कि उसको कहीं से कुछ खाने को मिल जाए. लाइकवाइज जो पेपर सीमिंग बॉय है, जो थिन बॉय है, वो इसी तरह भूखा है जिस तरह की रैट होता है और उसकी आइज कुछ तलाश कर रही हैं. द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, फिर अनदर चाइल्ड की डिस्क्रिप्शन की है. एक स्टंटेड, फुली ग्रोन नहीं है एक बच्चा, और अनलकी है. क्यों अनलकी है? क्योंकि वो एक ऐसे फादर के घर में उसने बर्थ लिया है जो ऑलरेडी डिसीज्ड है, बीमार है, और उसी की जो डिसीज़ है वो उस बच्चे ने इनहेरिट किया है. एंड ही इज़ रिसाइटिंग हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, ऐसा वो बच्चा अपने डेस्क पर खड़ा होकर लेसन रिसाइट कर रहा है, रीड कर रहा है. एट बैक ऑफ द डिम क्लास, डिम क्लास क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर इनसफिशियंट लाइट है. इनसफिशियंट लाइट मतलब जितनी रोशनी होनी चाहिए स्टडी के लिए उतनी नहीं है. एट द बैक ऑफ दिस टाइप ऑफ डिम क्लास, जहाँ पर रोशनी पूरी तरह से नहीं है, इस क्लास के बैक बेंच पे वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, कुछ पॉजिटिव वर्ड्स पॉइंट ने यूज़ करते हुए कहा है कि एक बच्चा बैठा है जिस पे किसी का ध्यान नहीं है. ही इज़ वेरी स्वीट एंड यंग, हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, उसकी जो आईज हैं वो एक ड्रीम ले रही हैं. ओ स्क्विल्स गेम, जो गिलहरी होती है उसकी गेम उसके माइंड में चल रही है. एंट्री रूम और अदर देन दिस, He has dreamy eyes and he is dreaming how squirrels play their games in their tree room. कि कैसे जो गिलहरी है वो अपने ट्री रूम में अलग अलग तरह की गेम्स खेलती है. The little boy too dreams of such a room for himself. वो जो बच्चा है उसे भी वैसी ही जगह चाहिए अपने लिए. That would be quite different from the one where he is sitting now. जिस तरह के रूम में वो बैठा हुआ है ये जगह उससे थोड़ी डिफरेंट होगी. तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं. हु इज़ अनलकी हियर एंड व्हाट विल ही इनहेरिट, कैसे वो डिसीज इनहेरिट करेगा. व्हाट इज़ द स्टंटेड बॉय रिसाइटिंग, क्या रिसाइट कर रहा है वो बच्चा अपने बेंच पर बैठा हुआ. हु इज़ सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, डिम क्लास जो है उसके लास्ट में कौन बैठा है. हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम ही इज़ ड्रीमिंग.
So these kind of questions from extracts you will have to do. Next stanza देखते हैं. Own sour cream voice. जो क्रीम होती है, दूध की जो मलाई होती है, कई दिनों तक अगर पड़ी रहे तो खट्टी हो जाती है, और खट्टी होने के बाद उसमें एक पीलापन सा आता है. साउर क्रीम वॉल्स, तो वही जो मैला मटमैलापन है वो वॉल्स के ऊपर है, क्योंकि काफ़ी टाइम से उस पर वाइट वॉश नहीं हुई है. डोनेशंस, जो द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम इन दिस स्लम स्मेल ऑफ साउर क्रीम, और उसमें से बहुत गंदी सी स्मेल आती है, वैसी स्मेल, वो डिमनेस जो है वो इस क्लासरूम में है. एंड डोनेशंस से जो पैसा दिया गया है इन स्कूल्स के मेंटेनेंस के लिए, जो डोनेशंस मिलती हैं, जो पैसा आता है, उस पैसे का यूज़ करके क्या क्या यहाँ इस क्लासरूम में लगाया गया है. ओन सावर क्रीम वॉल्स, डोनेशन, सिक शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट डॉन. यू कैन सी दीज थ्री पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन. शेक्सपियर की एक पोर्ट्रेट है, क्लाउडलेस एट डॉन. डॉन होता है उषा काल का समय, बिल्कुल सुबह, क्लाउडलेस, विदाउट क्लाउड्स है स्काई जो है. सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, डोम गुंबद जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, इस टाइप का होता है. सो पोइट कहता है, शेक्सपियर्स हैड क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड. एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फोग. फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फोग हियर रेफर्स की फ्यूचर इज पेंटेड विद अ फोग. लेट्स डू द एक्सप्लेनेशन. तो इस क्लासरूम में जहाँ पर वॉल्स डर्टी हैं, डिम लाइट है, देर आर सम पिक्चर्स हैंगिंग इन दिस क्लासरूम. फर्स्ट इज ऑफ शेक्सपियर, एंड देन देर इज़ अ क्लाउडलेस डॉन ऑफ ह्यूज कैथेड्रल डोम की भी पिक्चर है, जो सिविलाइजेशन का सिंबल है. एंड ऑफ ऑस्ट्रियन टायरल वैली की भी फोटो है, विद इट्स बेल्ड शेप फ्लावर्स, जहाँ पर बेल शेप के फ्लावर्स हैं, वो वाली वैली की भी एक पिक लगी हुई है. देर इज़ ऑल्सो अ बिग ओपन मैप ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का एक ओपन मैप है, रफ हैंड से बनाया हुआ, जैसे तानाशाह अपनी मर्जी से मैप बनाते हैं. दैट शोज़ ऑल दो सीज एंड हैंड्स दैट द वर्ल्ड हैज़, और इस पे जो भी चीज़ें हैं वर्ल्ड में वो सब दिखाई गई हैं. बट फॉर दीज पुअर चिल्ड्रन, ये जो गरीब बच्चे हैं, द वर्ल्ड शोन ऑन द मैप इज़ नॉट देयर वर्ल्ड. जो मैप में वर्ल्ड दिखाया गया ये वो संसार नहीं है जो इन बच्चों का असली संसार है. फॉर देम द वर्ल्ड इज़ मेयरली दीज विंडोज़ ऑफ द क्लासरूम. इन बच्चों के लिए तो जो क्लासरूम की विंडोज़ है वही इनका संसार है. फ्रॉम वेयर दे कैन सी ऑल देयर फ्यूचर, अगर बाहर की दुनिया को देखना है तो वो विंडोज़ से देखेंगे, एंड दैट्स इट फॉर देम. फ्रॉम हियर दे कैन सी दैट देयर फ्यूचर इज़ ऑल फोगी. फ्यूचर जो है उनका वो कैसा है, पेंटेड विद अ फोग, धुंधला है, कोई रोशनी नज़र नहीं आती, कोई पॉजिटिविटी नहीं है उनकी लाइफ में. यू कैन सी इन द पिक्चर हाउ दे आर क्रेविंग फॉर फूड. इफ़ दिस इज़ द कंडीशन, दिस इज़ द फिज़िकल कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन, हाउ विल बी दे एबल टू स्टडी. अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई. जब वो विंडो से बाहर देखते हैं कैसे उनको फ्यूचर अपना फोगी नज़र आता है. Far, far from rivers, capes and stars of words. क्या है बाहर उनके संसार में, इट इज़ ओनली अ नैरो स्ट्रीट, एक तंग सी गली है, दैट इज़ सील्ड इन विद द डल स्काई. इनका आसमान जैसे भगवान ने अलग से बनाया है, डल है बिल्कुल. इट इज़ अ वर्ल्ड दैट इज़ फार फ्रॉम ओपन वर्ल्ड ऑफ रिवर्स, जो नेचुरल ब्यूटी है, ओपन वर्ल्ड ऑफ रिवर्स एंड केप्स है, इससे बहुत दूर है इनकी दुनिया. इट इज़ अ वर्ल्ड दैट इज़ फार फ्रॉम द स्टार्स ऑफ वर्ड्स शोन टू देम बाई ऑल पॉलिटिशियंस,
जो पॉलिटिशियंस उनको दिखाते हैं तारे, उससे बहुत दूर है इनकी दुनिया. श्योरली शेक्सपियर इज विकेड. इनके लिए शेक्सपियर जो है वो मीनिंगलेस है. इन बच्चों को, इनकी पॉवर्टी से बाहर निकलेंगे तो कुछ और सोचेंगे पूरे वर्ल्ड के बारे में. वर्ल्ड के महान लिटरेरी फिगर शेक्सपियर के बारे में सोचने का कहाँ है इनके पास टाइम. ये तो अपनी बुक के बारे में ही सोचते रहते हैं. सो इट विल बी विकेड टू टॉक ऑफ शेक्सपियर टू दीज पुअर चिल्ड्रन. कितनी घटिया बात होगी, कितनी दुष्टता भरी बात होगी इन बच्चों के साथ शेक्सपियर के बारे में बात करना जब तक इनको बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड नहीं करवाई जाती. एंड द मैप विल बी अ बैड एग्जाम्पल. शोइंग देम द मैप एज एन एग्जाम्पल ऑफ द वर्ल्ड विल बी अ बैड एग्जाम्पल फॉर देम. विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्प्टिंग देम टू स्टील. ये जो फ्लावरी वर्ड है, शिप से, सन से, लव से भरा हुआ, अगर ऐसी दुनिया अगर हमें दिखाएंगे तो ये किस चीज़ के लिए मजबूर होंगे? ओनली टू स्टील, चोरी करने के लिए. फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स फ्रॉम फोक टू एंडलेस नाइट ऑन द स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास. Like bottle bits on stones, all of their time and space are foggy slum. So blot their maps with slums as big as doom. Slyly का meaning होता है secretly. For lives that slyly turn in their cramped holes, narrow, तंग गलियों में इन्होंने अपनी पूरी life छुप छुप कर बिता देनी है. From fog to endless night. और एंडलेस नाइट है यहाँ लाइफ में, इनकी कोई प्रकाश नहीं है, कोई दिन रात का सिस्टम नहीं है, एंडलेस नाइट ही है, कोई रे ऑफ होप नहीं है. ऑन देयर स्लैग हीप, ऐसे लगता है जो इनकी बॉडी है इट्स अ हीप ऑफ स्लैग, वेस्ट मटेरियल का ढेर मात्र है ये सिर्फ. अनवांटेड प्लांट्स कह रहा है कभी इन्हें पोइट, कभी कहता है स्लैग हीप. दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स, त्वचा के नाम पर कुछ नहीं है इनकी बॉडी के ऊपर, ओनली बोन्स ही हैं. बिकॉज दे आर मैल नरिश्ड. अभी पिक्चर में आपको दिखाया कि किस तरह से इनकी स्किन जो है इट्स जस्ट फॉर नेम सेक, नाम मात्र है. एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास. अगर किसी ने स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं, आँखों की रोशनी कमज़ोर है, तो अगर स्पेक्टिकल्स पहने हैं तो स्टील विद मेंडेड ग्लास, मरम्मत की हुई, रिपेयर की हुई, सेकेंड हैंड चीज़ें हैं इनके पास. लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, और वो जो चश्मे हैं टूटे हुए मैंडेड हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे बॉटल बिट्स, बॉटल के टुकड़े हैं ऑन स्टोन पर रखे हैं. स्टोन क्या है? स्टोन रेफर करता है उनकी आइज़ को. ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम. हर टाइम और हर जगह इनके जीवन की सिर्फ फोगी स्लम ही है. सो ब्लॉट, ब्लॉट का मतलब होता है धब्बे लगाना. इनका जो मैप है वो वर्ल्ड का मैप, जो इनकी क्लासरूम में हैंग हुआ है वो नहीं है. इनका मैप तो सिर्फ स्लम्स ही हैं, ये गंदी बस्तियां ही हैं इनके लिए इनका संसार. तो ब्लॉट देयर मैप्स, इसे धब्बों से रंग देना चाहिए एज बिग एज डूम, क्योंकि इनकी तो डूम, डेथ ही लिखी है. अनलेस, कब तक ऐसा होगा ये डेथ इनकी और लाइफ इनकी स्लम्स में ही कब तक होती रहेगी? अनलेस, अगर नहीं करते कौन, क्या नहीं करते? गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर. दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट ओपन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स. कैटाकॉम्ब्स आपको बताया था क्या होती है? ग्रेव्स, कब्र होती है. ब्रेक or break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books the white and green leaves open. History theirs whose language is the sun. Jo poet hai, he is calling upon the governor, the inspector and the visitor to break these windows. Jo windows hain inki slums wali, isko break karein
और इनको अपॉर्चुनिटी दें कि चिल्ड्रन कैन मूव आउट ऑफ द टाउन वेयर दे कैन सी ग्रीन फील्ड्स, ये देख पाए जहाँ पर आकर, ऐसा ना हो कि इनकी जो विंडोज़ हैं जो ग्रेव्स में ओपन हो और सीधा मतलब इस दुनिया से कभी ये बाहर ना निकल पाएँ और ग्रेव्स में चले जाएँ, पूरी लाइफ इनकी अंधकार में ही रह जाए. ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन. इनको भी अधिकार है ग्रीन फील्ड्स देखने का, नेचर की ब्यूटी देखने का. एंड मेक देयर वर्ल्ड रन इज योर ऑन गोल्ड सैंड्स, और सुनहरी रेत पर ब्लू स्काई के नीचे खेलने का, फ्रीली फ्रीडम को इंजॉय करने का. एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इन टू बुक्स, और बुक्स में जितनी भी नॉलेज है उसको एब्जॉर्ब करने का, सीखने का, लर्न करने का. द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, इनके लिए जो वाइट एंड ग्रीन लीव्स हैं यानी कि जो किताबें हैं वो भी खुली रहें, क्योंकि द पोएट सेज दैट हिस्ट्री बिलोंग्स टू दोज हुज लैंग्वेज इज़ द सन. इन अदर वर्ड्स वो क्या कहना चाहता है, हु आर फ्री टू इन्जॉय एनी थिंग अंडर द सन, इस सूर्य के नीचे कुछ भी इंजॉय करने का जिनको अधिकार है वही इतिहास लिख सकते हैं. सो दीज चिल्ड्रन आर शुड ऑल्सो बी अलाउड टू इंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, टू इंजॉय फूड. दे शुड बी गिवन बेसिक नेसेसिटीज सो दैट दे कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल फॉर देयर कंट्रीज. सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सप्लेनेशन थी इस पोएम की. आपने इसके एक्सट्रैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हिस्ट्री इज़ देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन, इसको एक्सप्लेन करना है और इससे अग्री है या नहीं, आप अग्री करते हैं या नहीं ये बताना है. दिस मेटाफर कंटेन्स अ वाइटल ट्रूथ, एक इम्पॉर्टेंट सच की बात कही है. दिस वर्ड डज नॉट लिसन टू द डम एंड ड्रिवन पीपल, जो गूंगे और कुछ नहीं कर सकते लोग उन लोगों के लिए नहीं है ये दुनिया. ओनली दोज हु स्पीक विद कॉन्फिडेंस पावर अथॉरिटी एंड विजन आर हर्ड एंड ऑबेड. दोज हु क्रिएट हिस्ट्री आर पीपल हुज आइडियाज एंड लैंग्वेज कैन मोटिवेट मूव इंस्पायर इन्फ्लुएंस मिलियंस ऑफ पीपल, वही हिस्ट्री में कुछ सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव देयर लैंग्वेज मस्ट हैव द वार्मथ एंड पावर ऑफ द सन. एक थीम देख लेते हैं इन दिस पोएम. स्टीफन स्पेंडर डील्स विद द थीम ऑफ, हमने डिस्कस किया भी था इसे, सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटीज़ के बारे में उसने बताया. ही प्रेजेंट्स द थीम बाई टॉकिंग ऑफ टू डिफरेंट एंड इनकम्पैटिबल वर्ड्स, जो हमने हैव्स और हैव नॉट्स के वर्ड्स की बात की थी. द वर्ड ऑफ द रिच एंड सिविलाइज्ड हैज़ नथिंग टू डू विद द वर्ड ऑफ नैरो लेन्स. सिविलाइज्ड लोगों का जो संसार है नैरो लेन्स में, कम ये तंग गलियों में रहने वाले लोगों के संसार से कितना डिफरेंट है. द गैप बिटवीन दीज टू वर्ड्स हाईलाइट्स सोशल डिस्पैरिटी कितनी है, क्लास इनइक्वालिटी कितनी है, ये ख़त्म होनी चाहिए. इसी थीम को डिस्कस करने की कोशिश की है इस पोएम में स्टीफन स्पैंडर ने. नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. हाउ कैन पावरफुल पर्सन्स लाइक गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर मे कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव द लॉट, लॉट मतलब भाग्य ऑफ स्लम चिल्ड्रन, कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है जो इनका गैप है हैव्स और हैव नोट्स का, उसको अब्रिज करके. तो ये क्वेश्चन आप नोट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड विद पिक्चर्स लाइक शेक्सपियर बिल्डिंग्स विद डॉम्स वर्ड मैप्स एंड ब्यूटिफुल वैलीज. हाउ डू दीज कंट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन. ये पॉवर्टी स्ट्रिकन है, गरीब लोग हैं, स्लम चिल्ड्रन हैं, एंड क्रैम्ड डार्क होल्स में मतलब तंग गलियों में रहने वाले लोग, और इनके क्लासरूम में ये जो पिक्चर्स हैं दे आर मीनिंगलेस. सो दिस क्वेश्चन यू विल डू. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक इज़ द कलर ऑफ साउर क्रीम. व्हाट व्हाई डू यू थिंक द पोइट हैज़ यूज दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स. उसने यही पर्टिकुलर कलर क्यों रेफर करने की, क्या हाईलाइट करना चाहता है वो इस कलर से. द कलर ऑफ साउर क्रीम इज ऑफ वाइट, आपको पता है ऑफ वाइट कलर क्रीम कलर. द पोएट हैज़ यूज दिस एक्सप्रेशन टू सजेस्ट द डिकेइंग एस्पेक्ट, किस तरह से कमतर कमज़ोर पड़ता जा रहा है, एक पहलू उसे दिखाया है. The deterioration in the color of the classroom wall symbolizes the pathetic condition of the lives of the scholars, the children
of this slum school. उनकी pathetic condition को highlight किया है इस color के reference के through. That's all for today. Thank you so very much. I hope you will note these questions and you will understand the explanation of this poem thoroughly. Thank you so very much.